भाई फाइनली जो है आज हम एक बड़े प्रॉब्लम्स में फंस गए और जिसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डुकू और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल टेक वाला में। दोस्तों आज का जो सिलसिला है ना मोबाइलों पे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। आप सोचिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये मेरे साथ कल की घटना है और कल की घटना में बहुत ज़्यादा बड़ा फ्रॉड होने से मैं फाइनली बच गया हूँ। हुआ क्या कि मैं यूँ ही मोबाइल अपना जो है चला रहा था, अचानक से फ़ोन आया जो कि हमारे स्क्रीन पे आपको दिखेगा। अचानक से फ़ोन आया तो मेरे एक आदत है कि जब फ़ोन कोई आता है तो अननोन नंबर होता है तो पहले मैं वेट करता हूँ कि ट्रूकॉलर पर उसका क्या नाम दिखाता है। मैंने वेट किया तो उसका कुछ नहीं दिखाया। पहले में जब वो फ़ोन फिर कट गया तो मैंने चेक किया, देखिए किस नाम से आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो मैंने एक चीज़ गौर किया कि मैंने चेक, फिर याद आया कि किस नंबर पे मेरा सिम नंबर 1 पे आया या सिम नंबर 2 पे आया। तो हमारे जो कॉल्स थे सो ही नहीं कर रहे थे कि 1 में आया है कि 2 में आया है। पहला तो ये बात समझ में नहीं आ रहा था हमको। दूसरा क्या हुआ, फिर थोड़ा देर के बाद फिर कॉल आया उस पर और जब कॉल दोबारा आया तब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया था। फर्स्ट टाइम जो है नहीं किया था क्योंकि मुझे भी पता नहीं चल पाया था कि क्या हो। मुझे लगा किसी नंबर पे जो है डायरेक्ट वीडियो कॉल किया गया है, जैसा कि जियो से जियो किया जाता है। उस समय सिम का ध्यान नहीं रहा। बट जब सेकेंड टाइम आया तो मैंने देखा कि पहला वाला किस सिम पे है नहीं पता चला, तो मेरे दिमाग में आया कि इसको रिकॉर्ड करना चाहिए और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। क्या हुआ कि मैंने अपना रिकॉर्डिंग को ऑन किया, कैमरे पे हाथ रखा और उसको रिसीव किया। जब मैंने रिसीव उसको किया तो सॉफ्ट भरी जो है मुझे अनुभव हुआ। अब सोच रहे कि क्या अनुभव हुआ सॉफ्ट, तो सॉफ्ट वाली बात ये रही कि जब मैंने उस वीडियो को जब मैंने उस वीडियो कॉल को रिसीव करना, तब मेरे से मेरा जो ऐप्स है वो परमिशन मांग रहा था और किस ऐप से मांग रहा था ये हमें नहीं पता चला। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम तो सोचा कि परमिशन दे या ना दे, तो मैंने सोचा चलो ट्राई मारते हैं, परमिशन देते हैं। मैंने पहला परमिशन दिया माइक वाला और फिर दूसरा परमिशन देते देते कॉल कट गया। अब मैंने उस पर रिसर्च शुरू किया तो फाइनली आप जान लीजिए कि किस तरह कॉल था। इस तरह कॉलों से जो है सावधान रहे। क्यों, इस तरह के जो कॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको कॉल करेंगे, आपके स्किन पे जो है गंदी गंदी फिल्म, मतलब फिल्म कहिए चाहे गंदी गंदी नट्स वाली फिल्म ऑन रहेंगी और जैसे ही आप उसको रिसीव करते हैं तो उधर जो आपका मोबाइल से जो रिकॉलिंग किया गया है जिस ऐप से या किसी के थ्रू, उधर रिकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। और रिकॉर्डिंग होने के बाद अब होता है गेम शुरू, उधर से फ़ोन आना शुरू हो जाएगा। कभी फ़ोन आएगा इंस्पेक्टर बन के, कभी फ़ोन आएगा यूट्यूबर बन के, तो कभी फ़ोन आएगा कुछ बन के और वो आपसे बोलेंगे कि इस तरह से आप देख लीजिए आप इसको। शुरू में तो कोई विश्वास नहीं होगा, यहाँ तक कि आपके नंबर पे वो वीडियो भी शेयर कर देंगे और आपसे बोलेंगे कि अगर आपको डिलीट करवाना है इसको तो आपको इतने रुपये देने होंगे और इस जाल में आप बुरी तरह से फंस जाइएगा। आप अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में इस बड़े गड्ढे में जाने से, इस बड़े से क्राइम को होने में आप उसका हिस्सा बन जाइएगा और फाइनली आपको क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ लॉस। अगर कोई बंदा इसमें फंस चुका है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो इस क्राइम को करने के लिए आज अग्रसर हो चुकी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है सीधे पुलिस का हेल्प लेना है। पहला नंबर, अगर आप नहीं ले सकते हैं, आपको किसी तरह कोई दिक्कत नहीं ऐसी दिक्कत है, तो आप एक लाइन में उसको कह दीजिए भैया हमें एक रुपया नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो, सीधा बात है, इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि देखिए आज का जो दौर हो रहा है फ्रॉडगिरी का, एक से एक तरीका खोजा जा रहा है, खोजा जा रहा है
और उसमें से ये एक बड़ा सा मतलब लोगों के डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग का जो प्रोसेस है वो चालू हो गया है, और आज इससे भी लाखों लोग फंस रहे हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इसमें छू कर निकला हूँ। अगर मैं एक यूट्यूबर ना होता तो मेरे पास भी ये दिमाग नहीं होता, और मैं इस गड्ढे में शायद फंस गया होता। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह के जब भी कॉल आए तो सबसे पहले चेक कीजिए, वीडियो कॉल से अगर आए तो आप चेक कीजिए किस नंबर पे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको लगे कि ये नंबर सेफ नहीं है तो हमेशा याद रखिए वीडियो कॉल में कैमरा को ऑफ करके रखिए, या फिर उस पर हाथ रख के उसको रिसीव कीजिए चंद मिनटों के लिए, और आप कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप उसको तुरंत डिस्कनेक्ट कर दीजिए। पहला कंडीशन, इससे बचने का सारा उपाय बता रहे हैं। तो ये आता कैसे, पहले ये समझिए, आपके मोबाइल में अगर थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी एंड आप लोग जानते होंगे, थर्ड पार्टी ऐप्स उसको कहते हैं जो आपके प्ले स्टोर, यानी कि अगर एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, और अगर ऐप स्टोर है यानी कि एप्पल का मोबाइल है तो वो ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। कुछ अलग तरीका, जैसे क्रोम पे आपका अवेलेबल हो जाता है, वहां से आपने क्या किया है कि थर्ड पार्टी ऐप्स को इंस्टॉल कर लिया, जिसको लाइसेंस गूगल ने नहीं दिया है ना एप्पल ने दिया है। आपने क्या किया, उस ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर रखे हैं, तो पहला तो गलती आप करते हैं। दूसरा, उसको परमिशन दे देना, थर्ड पार्टी ऐप्स को कभी भी आप जो है अपने मोबाइल में परमिशन नहीं देके छोड़ेंगे, पहली बार। तो आपको कुछ नहीं करना है, जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में, सेटिंग में जाके आपका जो परमिशन को जो थर्ड पार्टी ऐप्स होगा उन सभी के परमिशन को ऑफ कर ले, ठीक है, ऑफ कर ले। दूसरा क्या करना है, जितने भी नोटिफिकेशन आपका ऑन है उन सबको थर्ड पार्टी ऐप्स के नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर दे, ठीक है। और इस तरह से ये दो काम आप अपने मोबाइल में जरूर कर लें, ताकि इस तरह के कॉल्स आपके पास नहीं आए, इस तरह के फ्रॉडगिरी से आप बच सकें, और कोशिश करें कि थर्ड पार्टी ऐप्स का अपने मोबाइल में अगर जानकारी नहीं है तो कम चांस करें कि यूज करने के लिए। दोस्तों, तो आज के वीडियो में यही मैं बताना चाहता था कि आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है, तो इन फ्रॉडों से आप सावधान रहें, और अपने मोबाइल में जब भी इस तरह के कॉल्स आते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, अपने कैमरा को ऑफ करके और तब रिसीव कीजिएगा। कैमरा ऑफ करने के लिए आपका अपने उंगली का यूज करें और कैमरा पे हाथ रखें और रिसीव करें। अगर आपको इस तरह का कुछ भी गड़बड़ी लगता है तो आप तुरंत जो है कंप्लेन भी कर सकते हैं, या फिर इस तरह के नंबर्स को आप अपने मोबाइल में ब्लॉक करके रखें, ताकि आप जो है अच्छी तरह से सुरक्षित रह सकें और इस तरह के गड्ढों में जाने से बच सकें। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, एक नए सोच के साथ, एक नए ऐप्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।